नागपुर के चिसभोंग क्षेत्र में आज मानसून ने अच्छी बारिश बरसा कर कर दिया कहर, लेकिन जनता के मन में मानसून ने दे दिया डर का जहर। नागपुर में आज मानसून लगने के दौरान पहली बार भारी मात्रा में मानसून ने दस्तक दिया। इस वजह से नागपुर के कई क्षेत्र प्रभावित होकर जनता को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे ही नागपुर के चीज भवन परिक्षेत्र में जोरदार बारिश के कारण ये परिसर हद से भी ज्यादा प्रभावित हो गया है। इस वजह से इस इलाकों में रहने वाले जनता को भारी मात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में स्थानिक लोगों का कहना है कि चीज भवन में बीते एक साल से रोड का काम चल रहा है, इससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई किसी लोक प्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारी का देखरेख ना होने पर ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस एरिया में आने जाने के लिए यही एक मुख्य रास्ता है, जो कि बारिश के कारण पानी यहाँ पर कम से भी ज्यादा जमा हो जाता है। वह इसी पानी की वजह से घर में सांप बिच्छू के आने का डर हमेशा बना रहता है, और कब कौन से समय घटना को अंजाम दिया जाएगा ये बता नहीं जा सकता। ऐसा इस एरिया के जागरूक नागरिक श्री विजय घिचारे ने बताया है। जैसे कि आप यहाँ सब देख रहे हो, इधर चीज भवन के पूरे रास्ते में पानी जमा हो चुका है। हमारे यहाँ आप कार भी देख रहे हो, कार यहाँ पूरी फंस चुकी है। यहाँ पे कोई नगर सेवक या कोई हमारी देखरेख करने के लिए कोई बार भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे वोटिंग मांगने लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर अभी उन्होंने रास्ता भी बनाया है, रास्ता पूरा फुल जाम है, पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आने जाने के लिए लोगों के लिए बहुत दिक्कत का सामना हमें करना पड़ रहा है। विचो विस्तार के लिए हेमंत घुबड़े, नागपुर।